नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बडिंग। बडिंग के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे कि इसमें इसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रा, हाइड्रा प्लेनेरिया इटिशी, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे बडिंग के। ये हाइड्रा का हम लोग फिगर देखेंगे, ये हाइड्रा है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला रहता है, जिसको हम लोग टेंटिकल्स बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। बीच में यह माउथ रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, ये स्टेल्क जैसा रहता है, ये बेस होता है। ये क्या हो गया हमारा हाइड्रा। तो हाइड्रा जब मैच्योर हो जाता है तो हाइड्रा के सेल्स पे एक छोटे से बड्स का डेवलपमेंट होता है, हाइड्रा के बॉडी पे छोटे से बड्स का डेवलपमेंट होगा। और ये बड्स का डेवलपमेंट होने के बाद ये बड्स डेवलप करेगा और बेबी हाइड्रा बनाएगा, छोटा सा हाइड्रा बना रहा है। इसके बाद फिर ये जब मैच्योर हो जाएगा ये हाइड्रा, फिर आपका बड़ा बन गया, ये मैच्योर हो जाता है तो फिर अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाता है, यानी कि टू हाइड्रा बन गया, अपने पेरेंट प्लांट से अलग होके ये हाइड्रा हमारा बन गया। तो इस तरह रिप्रोडक्शन के थ्रू टू हाइड्रा बन गया या एक पेरेंट से दूसरा बन गया। तो इस तरह हाइड्रा भी होता है, प्लिनेरिया होता है, बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है जिसके थ्रू न्यू ऑर्गेनिज का डेवलपमेंट होता है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ईस्ट भी है, ये हमारा ईस्ट है। ईस्ट के सेल्स पे एक छोटा सा बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है, कभी कभी तो ये ब्रेक करके अलग हो जाते हैं और ये दूसरा ईस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर बर्ड्स का डेवलपमेंट होते जाता है, तो एक लंबा सा चेन बना लेता है, बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद यहाँ से ब्रेक कर जाता है, तो ये वाटर में इसी तरह चेन आपका फ्लोट करते हुए रहता है, जिसको हम लोग चेन ऑफ बर्ड बोलते हैं। इस तरह बडिंग हो गया, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड हमारा क्या हो गया, बडिंग। थर्ड है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, जिसका एग्जांपल है राइजोबस। इसका फिगर आप लोग देखिए, इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लेकिन वो एक्चुअल रूट नहीं होता है, यानी कि ट्रू रूट स्टीम लीफ इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ये राइजोबस है, रूट लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं। स्टीम लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है इसको स्टीम ना बोल के हम लोग हाइफी या सेप्टा बोलते हैं, हाइफी या सेप्टा बोलते हैं। और ये बड़ा सा नोब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग एस्पोरेंजियम बोलते हैं, एस्पोरेंजियम। इसके अंदर मल्टीपल्स स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सारे में मल्टीपल्स स्पोर प्रेजेंट होते हैं। जब ये राइजोबस मैच्योर हो जाता है तो ये स्पोरेंजियम ब्रस्ट कर जाता है और मल्टीपल्स स्पोर बाहर आ जाता है, जो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू हर जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जहाँ जहाँ ये गिरेगा सोइल्स में तो वहाँ पे न्यू राइजोबस का डेवलपमेंट हो जाएगा।